तो एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका अभी तारुफ विकास ने कराया, देखिए उत्तर प्रदेश में जब विरासत और जातिगत सियासत के बड़े चेहरों का जिक्र किया जाता है तो फिर नाम अनुप्रिया पटेल का लिया जाता है, लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अनुप्रिया पटेल की अपनी मेहनत अपने संघर्ष का नतीजा है कि आज अनुप्रिया पटेल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जरूरी बन गई है। लेकिन ऐसे में अनुप्रिया जी, सवाल ये कि मोदी कैबिनेट में जगह मिलने में इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, मंत्रिमंडल में किसको सम्मिलित करना है ये विषय हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार के तहत हमारी पार्टी को, जो बीजेपी की आज लंबे समय से सहयोगी है, 2014 से 3 इलेक्शन हम साथ में लड़ चुके हैं और बहुत अच्छा हमारा सफल गठबंधन रहा है, तीनों चुनाव के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं, तो हमारे सहयोगी दल की भी एक भूमिका हो देश के मंत्रिपरिषद में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है और मेरी पार्टी अपना दल की ओर से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और देश की जनता की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक दायित्व मिला है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये अनुप्रिया पटेल की जो लॉटरी है ना, वो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही निकलती है। मतलब 2017 में विधानसभा चुनाव होना था तो 2016 में लॉटरी लगी, मंत्री पद मिला। अब 2022 में जब विधानसभा चुनाव होना है तो फिर 2021 में लॉटरी लगी। लॉटरी निकलती है आपकी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, आप इसे लॉटरी समझे या जो भी समझे, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं जनता के बीच में और हमें किसी लॉटरी की ना आकांक्षा है ना हम किसी लॉटरी को ध्यान में रख के काम करते हैं। अपना दल सामाजिक न्याय की विचारधारा के लिए सतत प्रयासरत है, निरंतर हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। शायद आपकी विचारधारा है, हमें एक और मौका मिला है कि हम लोगों की सेवा करें। आपकी विचारधारा है जिसके लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं, आप लोगों के बीच जाती हैं, काम करती हैं और ऐसे में जब इस काम का श्रेय नहीं मिलता है कहां, तो आप खुद ये कहती हैं कि आपकी जो पार्टी है वो शोषितों के अधिकार, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ती है, तो आपका कार्यकर्ता निराश नहीं होता है कि उसकी नेता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है? 2016 में आप मंत्री बनती हैं, फिर 2019 में क्यों नहीं? देखिए, मेरा कार्यकर्ता ये सोचकर हमेशा गौरवान्वित होता है कि उनकी नेता पार्टी के एजेंडा पर निरंतर बिना रुके और बिना थके काम करती है। ओबीसी समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के हितों से जुड़े हुए जो भी विषय हैं उनको सड़क से लेकर संसद तक उठाने में उनकी नेता कभी पीछे नहीं हटती। और अभी आपने देखा, कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने नीट मेडिकल परीक्षा में MBBS और PG के एडमिशन्स में ऑल इंडिया कोटा के तहत जो OBC आरक्षण है उसको लागू किया। हमारी पार्टी ने उसके लिए संघर्ष किया, मैंने इस बात को विस्तार पूर्वक रखा। हमने इससे पहले भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को निरंतर उठाया। आज हम निरंतर प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि जैसे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी हुई है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी हुई है, वैसे एक सेपरेट ओबीसी मिनिस्ट्री भी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। तो हम मुद्दों पर लड़ते हैं, हम आज अपनी बात करते हैं कि देश पिछड़ा वर्ग के लिए अलग मंत्रालय की मांग, ये औपचारिक तौर पर अपना दल की तरफ से रखी गई है मोदी सरकार के सामने? बिल्कुल रखी गई है और एक बार नहीं, कई ओकेजन्स पे रखी गई है। हमारी तो जवाब क्या मिला आपको सरकार की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी का ये हमारी पार्टी के 2 मेंबर्स हैं लोकसभा में और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम एक सहयोगी के तौर पर जो हमारी पार्टी के सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं उनको समय समय पर उठाते हैं और उसमें बहुत सारे मैंने आपको विषय बताए जिनको हमने उठाया और माननीय मोदी जी की सरकार ने उनका समाधान भी किया। तो एक एक करके विषय हम उठाते हैं, उनका समाधान भी होता है। मैं जानना चाह रही थी कि ओबीसी मंत्रालय जो अलग से मंत्रालय बनाने की आप कह रही हैं, आपने मांग औपचारिक तौर पर मोदी सरकार के सामने रखी है, इस पर कोई जवाब आया है? देखिए, ये एक प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है, प्रस्ताव पर विचार होता है, जब इस पर निर्णय हो जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। मैं इतना कह सकती हूँ कि हमने पास्ट में जितनी भी बातें रखे हैं, विषय रखे हैं, उनका समाधान प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, आप कह रही हैं कि आप लगातार अपना कर्म करती रहती हैं, फल की चिंता नहीं करती हैं, तो इसे फिर बीजेपी की अवसरवादिता कहनी चाहिए कि बीजेपी को जब आपकी जरूरत है तो आपको मंत्री पद दे दिया जाता है? ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए,
हम अपना काम करते हैं, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रेलेवेंस है वो आज पूरा देश स्वीकार कर रहा है। हमारे लिए यही उपलब्धि है कि हम अपने एजेंडे के लिए कमिटेड हैं। मतलब दिल तो दुखा हुआ है, आपने इनकार नहीं किया कि ये बीजेपी की अवसरवादिता नहीं है। मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने आपसे ये कहा कि हमारा एजेंडा ये है कि हमको सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहना है और वो हम करते रहते हैं। सामने वाला क्या करता है ये सामने वाले को तय करना है, मुझे क्या करना है ये मैं तय करूंगी। अच्छा, आपसे पहले अभी इस मंच पर असदुद्दीन ओवैसी थे और वो साफ आपका नाम लेकर कहकर गए कि साहब कास्ट की वजह से अनुप्रिया पटेल को यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, उनकी कास्ट की वजह से मंत्री बना है। तो मतलब मैसेज तो यही जाता है ना कि अनुप्रिया पटेल कुछ भी काम करें, किसी के हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन उनको मंत्री पद से इसीलिए नवाजा जाएगा जब उनकी जरूरत होगी वोट बैंक साधने के लिए। ओवैसी जी बहुत स्नेह करते हैं मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और बड़े छोटे से दायरे में मुझे सीमित कर रहे हैं ये भी समझ रही हूँ मैं। मेरे ख्याल से अपना दल के बारे में बहुत जानते नहीं हैं। अपना दल का एक लंबा संघर्ष का इतिहास है। सन 1995 में मेरे दिवंगत पिता यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल की स्थापना की थी और एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ की थी, पूरा जीवन समर्पित किया है, लाठियां खाई हैं और सोशल जस्टिस के एजेंडा पर अनवरत संघर्ष करते रहे हैं। तो अपना दल को और अनुप्रिया पटेल को जितने छोटे दायरे में वो सीमित करना चाहते हैं ये उनकी चॉइस है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में अपना दल की बहुत अहमियत है। लेकिन दिक्कत इसलिए हो जाती है ना क्योंकि जो सहयोगी हैं आपके वो भी तो आपका दायरा नहीं बढ़ने देते हैं ना। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी सरकार में भी आप लोगों की कब से मांग रही है, एक ही मंत्री पद है अभी तक अपना दल के कोटे में। तो अब जबकि सुगबुगाहट है कि साहब योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, तो आप उम्मीद कर रही हैं कि आपकी पार्टी को एक और मंत्री पद मिले? मैंने भी मीडिया के जरिए ये सब बातें सुनी है। अच्छा, रही बात हमारी पार्टी की, अच्छा तो हमने कोई मांग रखी नहीं है और हम इस प्रकार की दबाव की राजनीति करते भी नहीं है। हमारी पार्टी अगर दबाव की राजनीति करती है तो सिर्फ अपने सामाजिक न्याय के एजेंडा पे करती है और उसके लिए हम पीछे नहीं हटते। हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा है कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हमारे छात्र पिट रहे हैं उनकी समस्या का समाधान करिए, आपको करना पड़ेगा। तो हम इन मुद्दों पर करते हैं, हम ये मंत्री पद के लिए नहीं लड़ते। हमारी पार्टी जरा अलग मिजाज की है। इस मुद्दे पर मैं आऊंगी क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जो आपने उठाया है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन उससे पहले आप ये कह रही हैं कि अगर योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो उसमें अपना दल और खासतौर से जो सुगबुगाहट है कि आपके परिवार से ही शायद कोई मंत्री पद से नवाजा जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अच्छा, हमने ऐसी कोई मांग नहीं रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जिसको वो उचित समझेंगे उसको वो स्थान देंगे अपने मंत्री परिषद में। और लेकिन इसमें पार्टी की तरफ से भी तो कुछ सुझाव दिया जाएगा ना, अपना दल की तरफ से नहीं, भी बताया जाएगा। हमसे बात करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपना विचार रखेंगे, लेकिन ये तो आप लोगों की तरफ से नाम का विशेषाधिकार है। बिल्कुल, आप लोगों की तरफ से अगर नाम मांगा जाएगा तो फिर सुझाव तो हम अपने परिवार की तरफ से, तो हम अपनी पार्टी में चर्चा करके जो नाम देना होगा वो देंगे। हम परिवार का ही नाम निकल कर आएगा, हमारी पार्टी चर्चा करके तय कर लेगी जब हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, आप इस पर पत्ते नहीं खोल रही हैं। अब ये बताइए कि 2022, अभी 2021 है, कहने को 2022 अगले साल, लेकिन महीने तो चंद ही बचे हैं। तो आप अभी जन आशीर्वाद यात्रा करके भी आ रही हैं, आपका आकलन, आपका असेसमेंट चुनाव के लिए क्या है? देखिए, मैंने दो जनपदों में जन आशीर्वाद यात्रा में प्रतिभाग किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपना दल के कार्यकर्ता दोनों ने मिलकर इस आशीर्वाद यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया और प्रयागराज और मिर्ज़ापुर दोनों क्षेत्रों में मैं रही और मैंने देखा कि बहुत उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में भी, आम जनमानस में भी, लोगों से संवाद भी हुआ, उनसे उनका क्या रुख है सरकार की तरफ वो भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जन आशीर्वाद यात्रा जो हमने निकाली है, जनता तक अपनी उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को पहुँचाया है, क्योंकि मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, लास्ट माइल डिलीवरी ये सरकार का मूल मंत्र है। जो भी सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं चलती हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की ओर हम बढ़े हैं। तो इन सारे विषयों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद हमें फिर से मिलेगा। जनता का आशीर्वाद मिलेगा बावजूद इसके कि अभी आपने बताया किस तरीके से वो जो युवाओं पर लाठियां बरस रही हैं उसके खिलाफ खुद आपने योगी सरकार से शिकायत की है। देखिए,
मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है, और उत्तर प्रदेश बहुत विविध है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग वर्गों के अलग अलग विषय हैं, और ऐसी घटनाएं होती हैं कि कहीं युवा आंदोलित होते हैं तो कहीं प्रशासन अपना नियंत्रण से बाहर चला जाता है, लेकिन उसको सरकार संज्ञान में ले, सरकार संवेदनशीलता से उसका हल निकाले, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। और हमारी सरकार ने संवेदनशीलता वाले निर्णय लिए हैं। मैंने आपको जो नीट का उदाहरण दिया, ये संवेदनशीलता ही तो है माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि उन्होंने देखा कि जब पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के छात्र मांग उठा रहे हैं, उद्वेलित हैं कि भाई हमारा हजारों सीटों का नुकसान हो रहा है हर वर्ष, और क्यों ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी कोटा लागू नहीं है, तो उन्होंने इसको किया। तो सरकार के संज्ञान में जब विषय आएंगे तभी उनका समाधान भी होगा। आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि साहब सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन जो विपक्षी हैं वो सबसे ज्यादा अगर सवाल उठाते हैं योगी सरकार को लेकर, तो वो इसी बात पर कि साहब योगी सरकार जो है उस पर संवेदनशीलता नहीं है, जो भी उसके खिलाफ या उसके मन मुताबिक नहीं बोलता, विरोध प्रदर्शन करता है, बहुत ही वो कहते हैं ना रफली, बहुत हाई हैंडेडली उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, ये विपक्ष आरोप लगाता है। तो ये राजनीति करने के लिए सब आए हैं तो राजनीतिक आरोप तो आएंगे ही, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया हो रहा है। इसमें सच्चाई नहीं, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। अब हर सारी सरकारों का इतिहास उठाकर देखिए तो विपक्ष का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, विपक्ष को तो राजनीतिक आरोप लगाने ही हैं और विपक्ष को तो कुछ विषय उठाने ही हैं। लोकतंत्र में यही तो होता है, पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राजनीति होती है, तो इसे तो हमें अदरवाइज लेना भी नहीं चाहिए। उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप कि आप अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा से होकर आई हैं, तो आपको चुनौती क्या लग रही है अगले साल योगी सरकार के सामने, बीजेपी के सामने दोबारा सत्ता में आने में? दो चुनौतियां जो आपको लगता है कि हाँ ये मुश्किल बन सकती है, इसको एड्रेस कर लेना चाहिए। देखिए मुझे ऐसी कोई खास मुश्किल तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि सरकार निरंतर लास्ट माइल डिलीवरी पर काम कर रही है, और सरकारी योजनाओं का जिस तरीके से लाभ आम जनमानस तक पहुंचा है, हाँ, उससे जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि सरकार का काम सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं करना नहीं है, बल्कि सरकार का काम उन बेनिफिट्स को जो पात्र व्यक्ति है उन तक पहुंचे, उसको इंश्योर करने में इच्छा शक्ति दिखाना भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विकास की जो नई पहचान हमने उत्तर प्रदेश को दी है, इसको देखते हुए हमारा प्रदेश आज बीमारू राज्य से एक अलग श्रेणी में आ गया है। हमारे प्रदेश में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से देखिए उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देश में नंबर 2 पे पहुंच गई है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो विकास के इतने जो काम हुए उसको देखते हुए मुझे कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा, आपको लगता है कि ये सारे जमीनी मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के खड़े किए हुए हवाई मुद्दे हैं? देखिए जहां तक आपने बेरोजगारी की बात की, यहां मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि एक हमने बहुत बड़ी पैंडेमिक को पिछले 2 सालों में झेला है और अभी भी हम उसका सामना कर रहे हैं, वो पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने की आशंका है जी। हमें देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, देश के अंदर 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है, उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट किए जा चुके हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तीसरी लहर को हम रोक सकें, चेन को ब्रेक कर सकें। तो कोरोना पैंडेमिक ने केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को झकझोरा है और पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ठप हुई हैं, लेकिन हमारे इकोनॉमी में फिर से ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। और चूंकि ये एक ऐसा डेवलपमेंट था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमारे यहाँ डिस्ट्रप्शन तो हुआ है इकोनॉमी में, लेकिन हम फिर से कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सरकार ने प्लान्स बनाए हुए हैं। तो ये जो बेरोजगारी की समस्या जो आप बता रहे हैं, कुछ आंकड़े आए थे जो हमारा इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने कहा कि 2017 के बाद से बेरोजगारी की दर कम हुई है। तो हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो और ये जो कोरोना के कारण समस्याएं आई हैं इनको धीरे धीरे हम टैकल कर सकें। अच्छा चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि जो जातिगत जनगणना है उसे लेकर आपका रुख क्या है? देखिए मुझे नहीं लगता कि देश में अब जातिगत जनगणना का जो विषय है उस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट बाकी रह गया है, क्योंकि आप देखिए सभी पार्टियां कमोबेश इसके पक्ष में हैं। लेकिन मोदी सरकार नहीं है,
ये दिलचस्प है कि साथी जो हैं वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार हो, आपकी तरफ से भी मांग की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार इस पर टसमस नहीं हो रही है, क्यों? मोदी सरकार ने इसे नकारा नहीं है, बीजेपी के अंदर भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कमोबेश सारी पार्टियां इसके पक्ष में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है इसके पक्ष में। 1881 से लेकर 1931 तक तो कास्ट सेंसस हुई, 1941 में हुई, आंकड़े जारी नहीं हुए। 1951 ऑनवर्ड्स एससी एसटी की गिनती होने लगी। देश में ओबीसी समाज बहुत बड़ी संख्या में है। आप कह रही हैं कि इसका वक्त आ गया है, ये और चलेगा नहीं, समय मेरे पास बिल्कुल कम। अब बस एक आंकड़ा, उसके बाद शोभना देखिए इंतजार कर रही है, और वो ये आंकड़ा कि 2017 में 11 पर चुनाव लड़ा था अपना दल ने, 9 सीटें जीती थी, तो इस बार तो टेक्निकली बीजेपी आप लोगों को 9 ही सीटें देगी, जो जीती हुई सीटें आपकी 11 तो नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये कि 11 तो हमने पिछली बार लड़ी थी, 9 जीती थी, 9 लड़ी नहीं थी। दूसरी बात ये, हर पार्टी अपना विस्तार करती है, हमारे संगठन तेजी से विस्तार हो रहा है, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, उचित समय आने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आंकड़ा आपने दे दिया है, लेकिन विस्तार का जिक्र आपने करके कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि इस बार उम्मीदें 11 सीटों से ज्यादा की हैं। बहुत शुक्रिया हमारे शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।